मोहब्बत करना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल है उसे समझना। और जिसने ये समझ लिया कि मोहब्बत का मतलब एक दूसरे के साथ जीना नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीना होता है, उनकी प्रेम कहानी अमर हो जाती है। और जो ये ना समझ पाए उनकी कहानी रह जाती है अधूरी। आज ऐसे ही एक टूटे रिश्ते की दास्तान लेकर आए हैं हम, हमारी अधूरी कहानी। गौहर और कुशल की मुलाकात साल 2013 में हुए बिग बॉस सीजन 7 में हुई। बिग बॉस के घर को वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हाउस में से एक माना जाता है। इतने मुश्किलों के बीच जाहिर सी बात है कि इंसान को ऐसा शख्स ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जिसके साथ वो खुद को सिक्योर फील करे, कंफर्टेबल फील करे। और ऐसा ही एक सपोर्ट मिला गौहर को कुशल में। जब बिग बॉस के घर में सब लोग गौहर के अगेंस्ट थे तब कुशल ने उनका साथ दिया और वहीं से शुरू हुआ उनके दोस्ती का सिलसिला। वैसे तो बिग बॉस के घर में इतने सारे प्यार के गुल खिले और जो सबसे ज्यादा गहरा था वो था कुशल और गौहर का प्यार। ये दोनों बिग बॉस 7 के शुरुआत में एक दूसरे से काफी अनजान थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोनों को एक दूसरे में एक अच्छा दोस्त नजर आने लगा। धीरे धीरे इस दोस्ती का रंग गहरा हुआ और प्यार में बदलने लगा। शुरुआत में तो कुशल और गौहर ने इशारों इशारों में ही अपनी दिल की बात पहुंचानी ठीक समझी, मगर बिग बॉस के कॉन्ट्रोवर्शियल घर में एक दिन ऐसा भी आया जब कुशल ने नेशनल टेलीविजन पर अपना हाले दिल बयान कर दिया। फिर क्या था, गौहर ने भी कुशल के इस इजहारे मोहब्बत को दिल से लगा लिया। शो के दौरान दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक दूसरे का हाथ थाम कर किया, फिर चाहे वो शो के होस्ट सलमान खान के साथ कुशल की अनबन हो या फिर कुछ और, कुशल और गौहर हर वक्त एक दूसरे की ढाल बनने से पीछे नहीं हटते थे। काफी लोगों को लगा कि बाकी बिग बॉस के घर में बने रिश्तों की तरह इनका रिश्ता भी कुछ ही समय का मोहताज है, लेकिन सभी की बातों को गलत प्रूव करते गए कुशल और गौहर। अब तो फैंस को यकीन हो गया था कि ये दोनों पक्का शादी के बंधन में बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों कभी भी शादी के बारे में बात करने से कतराते नहीं थे और दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर इतना ओपन थे मीडिया से कि कभी भी किसी ने इनके अलग होने की उम्मीद ही नहीं की थी। दोनों की जोड़ी नेशनल टेलीविजन की इतनी हॉट जोड़ी बन गई थी कि बिग बॉस के बाद दोनों को एक बार फिर एक साथ एक रियलिटी शो का हिस्सा बनने का मौका मिला 2014 में, और वो शो था खतरों के खिलाड़ी, जहां फिर से एक बार सभी को कुशल और गौहर के बीच की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है इस बात का एहसास हो गया। रियलिटी शो खत्म होने के बाद दोनों एक साथ काफी बार हॉलिडे करते हुए दिखे गए। इनफैक्ट दोनों की केमिस्ट्री इतनी हिट हो गई थी कि इन्हें एक म्यूजिक वीडियो में भी कास्ट किया गया था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था दोनों के बीच, लेकिन तभी उसी साल अक्टूबर में कुशल के एक ट्वीट ने सभी को चौंका दिया। देयर इज नथिंग कॉल्ड गौशल गाइस, आई एम सॉरी टू ब्रेक द न्यूज, गौहर एंड आई आर नो मोर टुगेदर, लव एंड पीस। सिर्फ इतना ही नहीं, कुशल अपने ब्रेकअप के बारे में काफी खुलकर बात भी करने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान कुशल ने अपने और गौहर के ब्रेकअप की वजह भी मीडिया में बता दी। उनके मुताबिक गौहर को उनके फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि उनके रिलीजन अलग थे। वेल, गौहर को कुशल के उठाए इन कदमों से काफी हैरानी हुई क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कुशल उनके ब्रेकअप को इस तरह पब्लिक कर देंगे। कुछ समय बाद कुशल ने खुद ही एक फैन और गौहर को एड्रेस करते हुए एक अपॉलोजी लेटर लिखा अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर, ताकि वो किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ जाए रिलीजियस कमेंट्स पास करने के लिए। वैसे तो हर कपल के ब्रेकअप के बाद तरह तरह के कंक्लूजन निकाले जाते हैं उस कपल के बारे में, लेकिन यहाँ तो कुशल ने इन सब की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी क्योंकि सब कुछ तो खुलकर बता दिया उन्होंने। लेकिन ये तो था कुशल का वर्जन। काफी क्लोज फ्रेंड्स का ये मानना है कि कुशल की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स भी एक अहम वजह थी ब्रेकअप की, पर इन सभी रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाया गौहर ने एक ट्वीट करके, एवरीथिंग रिटन विद फॉल्स क्लेम्स अबाउट कुशल्स हैबिट्स इज अनट्रू, दिस इज माय लास्ट वर्ड, हैव फन जर्नोस, टू ऑल दोस जर्नलिस्ट हु फाइंड दीज इमेजिनरी फ्रेंड्स टू गिव कमेंट्स ऑन पीपल्स लाइव्स, गेट अ लाइफ। खैर, काफी टाइम तक चुप रहने के बाद फाइनली साल 2016 में गौहर ने तोड़ी अपनी चुप्पी और मीडिया में आकर अपने ब्रेकअप के बारे में कहा, आई हैव ऑलवेज बीन डिग्निफाइड एंड हैव नोन वेयर टू ड्रॉ द लाइन, इट वॉज एन अमेजिंग वन एंड अ हाफ ईयर रिलेशनशिप विद हिम एंड देयर इज नो बिटरनेस फ्रॉम माय साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर मेंशन हिज नेम, द मीडिया मेड दोज असम्पशंस, इफ यू आर कोटिंग मी इन कनेक्शन विद समवन एल्स इट्स योर ओनर्स एंड नॉट माइन,
There are two golden words called no comments, and I use them very well. So, no comments. I wish everyone who has been a part of my journey well. दोनों के स्प्लिट के बाद कुशल का बर्ताव इस कदर चेंज हुआ गौहर की तरफ कि कुशल को गौहर के साथ वाले पिक्स में टैग होना भी गवारा नहीं था। जब फैंस ने कई बार कुशल को गौहर के साथ वाली पिक में टैग किया तो फैंस पर भी गुस्सा हो गए। लास्ट वार्निंग, स्टॉप टैगिंग मी विद दैट जीके पास्ट, प्लीज ग्रो अप एंड मूव, प्लीज प्लीज, एनीवन आई सी ऑन माय टाइमलाइन टैगिंग मी विद हर विल बी ब्लॉक्ड। एक बात तो माननी पड़ेगी कि गौहर ने इस ब्रेकअप को काफी मैच्योर तरीके से हैंडल किया और ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया और एंड तक सिर्फ एक ही बात कही अपने इंटरव्यूज में कि उनका और कुशल का रिश्ता काफी अमेजिंग था। शायद इसीलिए इतना कुछ होने के बाद भी ये दोनों वापस अच्छे टर्म्स पर आ गए। लेकिन कितना भी अच्छा हो इनके बीच, सच तो यही है कि गौहर और कुशल कभी भी फिर से एक नहीं हो पाएंगे और इनका साथ बस इतना ही था।